अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रब नवाज खान और आप देख रहे हैं अब्बासी टीवी। दोस्तों ये हमारे पास देखें रेड लाइट पर रिसीवर है। ये रेड लाइट पर इसलिए है कि क्योंकि हमने इसका सिग्नल ऐसी ओपन कर दिया, तो हम इसको 5815 सिग्नल ऐसी के बगैर आप दोस्तों को चलाकर दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखें ये अभी अभी मेरे पास आया है, ठीक है, अनटच बगैर छेड़ा हुआ रिसीवर है। ये देखें इसमें फॉल्ट था जी सिग्नल प्रॉब्लम का, तो हमने वैसे तो ऐसी न्यू लगाना है, ये पुराना ऐसी है, देख सकते हैं आप। इसको हमने ओपन कर दिया है तो इसको हम करेंगे जी बगैर सिग्नल ऐसी के ऑन। अब दोस्तों को ये सिग्नल ऐसी के बगैर ऑन करके दिखाएंगे, क्योंकि सिग्नल ऐसी ख़राब हो तो ये रिसीवर रेड लाइट पर चला जाता है। अगर सिग्नल ऐसी सही ना लगे तो भी ये रेड लाइट पर चला जाता है, तो इसे हमको पता नहीं चलता कि हमारा ये प्रोसेसर ख़राब है कि सिग्नल ऐसे ही हमारा ठीक नहीं लगा। तो हम इसको ऑन करेंगे जी एक तार लगाकर, तो देख सकते हैं आप मोबाइल को मैं स्टैंड पे लगा लूँ दोस्तों। तो अब करते हैं शुरू काम, ग्रिपे मैं निकाल लेता हूँ दोस्तों आप दोस्तों के सामने। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं साफ़, ताकि आप दोस्तों को नज़र आए कि हम इसको कैसे बना रहे हैं बगैर सिग्नल ऐसी के ऑन करेंगे इस रिसीवर को। हमारी वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, ये बहुत प्यारी और अच्छी वीडियो बनाई गई है आप दोस्तों के लिए। तो सबसे पहले हम इधर से इस पेपर को खुरच लेते हैं, ताकि हमें इधर नीचे पॉइंट मिल जाए तो हमें बहुत आसानी होगी और आप दोस्तों को भी बहुत आसानी होगी इसको बनाने में बगैर ऐसी के तार लगाकर ऑन करने में। तो हमने इसमें डाला है जी थोड़ा सा मिट्टी का तेल, ताकि ये हम साफ कर लें इधर से प्रिंट। तो प्रिंट की जगह पर हम लगाएंगे इधर से जम्पर, अगर इधर से ऑन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम मेन आईसी में जाएंगे, उधर से जम्पर करके ले आएंगे तार। कोशिश करेंगे अगली वीडियो हम बनाएंगे तो कहीं सिग्नल ऐसी के साथ ही कोई पॉइंट ढूंढेंगे जिसमें हम जम्पर करें तो हमारा ये रिसीवर ऑन हो जाए बगैर सिग्नल आईसी के। तो ये हमने ओपन कर दिया जी इसका सिग्नल ऐसी, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इधर से भी हम ये साफ कर लेते हैं, ताकि हमें पॉइंट नजर आए हमारा पॉइंट कहाँ जा रहा है, ठीक है, हमेशा कह के इधर आ रहा है। तो इधर हम खुरच लेते हैं, ठीक है, खुरच के हम तार लगाते हैं इधर। तो आपको मैं ये साफ करके दिखाऊंगा, बिल्कुल क्लोज करके दिखाऊंगा कि हम कहाँ से तार लगा रहे हैं, कहाँ से हम जम्पर कर रहे हैं इसका। हमारे चैनल अब्बासी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ये बहुत प्यारी वीडियो है आप दोस्तों के लिए। वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो, हमारा वॉच टाइम पूरा हो, हमारे सब्सक्राइबर पूरे हों इससे। और हम मेहनत करते हैं तो ज़्यादातर आप दोस्तों को दिखाने के लिए करते हैं। अगर आप दोस्त कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो हमारा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। और जो दोस्त हमें कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उन दोस्तों का शुक्रिया, जो नहीं करते उन दोस्तों का भी शुक्रिया। तो हम इधर शोल्ड कर लेते हैं, ताकि हमारी तार का जम्पर आसानी से हो। तो हमने ये मोटी वायर लगाई है, तो देखें दोस्तों ये रिसीवर ऑन हो चुका है। उस पिन से ऑन नहीं हुआ था तो हमने डायरेक्ट आईसी से जम्पर किया है, ठीक है। तो उधर से हमने काट दिया है जम्पर को, तो ब्रेक वायर लगाई है हमने, क्योंकि ऐसी में हमारी वो मोटी वायर नहीं चलनी थी।
तो मैं क्लोज करके कैमरे को दिखाता हूँ कि हमने कहाँ कहाँ से जंपर किया है, ठीक है? ऐसी की हमने पेन नंबर 6 से लेकर इधर दूसरे ऐसी, ये CX के साथ ये PF खड़ा है, इधर से उठाई है, ठीक है? इधर से उठाकर हमने ये देखें, ये वायर जा रही है 39 नंबर कापर की, ठीक है? तो ये हमने इधर पिन नंबर 6 पर लगा दिए। तो हमारा रिसीवर GX6605 देख सकते हैं बगैर सिग्नल IC के ऑन हो चुका है, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं, तो हम आपको ऊपर अलहदा मीटर भी लगा कर दिखाते हैं, ठीक है? ये रिसीवर है, इसी में हमने जंपर किया है, ठीक है? फिर हम इसको आपको सिग्नल ऐसी भी लगा कर दिखाएंगे और चला कर दिखाएंगे। तो कुछ दोस्तों ने वीडियो बनाई है तो उन्होंने बारीक तार लगाई है, लेकिन हमने आप दोस्तों के सामने बहुत ही मोटी पावरफुल तार लगाई है, ताकि आप दोस्तों को नज़र आए कि उस्ताद ने ये कोई फेक वीडियो नहीं बनाई। ये देखें, नो प्रोग्राम है, ठीक है? ये रिमोट भी काम कर रहा है इस पर। तो चैनल तो नहीं होंगे क्योंकि इसका सिग्नल ऐसे ही ख़राब था, तो अब हम सिग्नल ऐसे लगाएंगे फिर इसमें चैनल भी आ जाएंगे। ऐसा भी होता है, अगर सिग्नल ऐसे वाला हिस्सा ब्लास्ट हो जाए तो आप जंपर करके उस पे USB चला सकते हैं। तो अब हम आपको ऊपर दूसरा मीटर लगा कर दिखाते हैं जी, ठीक है? F1 F2 वाला मीटर ऊपर रख के हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ठीक है? ये हमारा रिसीवर ऑन है बगैर सिग्नल IC के, फुल प्रूफ के साथ। हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल अपासी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं जी, सिग्नल ऐसे लगाते हैं इसका, ठीक है? सिग्नल ऐसे लगाकर आप दोस्तों को ये चला कर दिखाते हैं। तो ग्रिप हम ये निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है? तो हम इसका ओरिजिनल लगा देंगे ग्रिप। तार ओपन करते हैं, जो हमने जंपर किया है वो वैसे भी देखें ऐसी की तरफ से ओपन हो चुकी है, क्योंकि हमने नाजुक सा टांका लगाया था ताकि हमारे ऐसी के पॉइंट ब्लास्ट ना हो, सेट से जुड़े ना आपस में। तो अब हम लगाते हैं जी सिग्नल ऐसी, इसमें न्यू, और इसको चलाते हैं इसका सिग्नल। सिग्नल ऐसी जी सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, सिग्नल ऐसी लग जाता है। और मैं आप दोस्तों के सामने ये लगाने का तरीका भी समझाता हूँ कि हम कैसे सिग्नल ऐसी लगाते हैं इसमें। तो ये हमने निकाल लिया जी 58-15 AM सिग्नल ऐसी, ठीक है? तो ये हमने रख दिया इसके अंदर। हम लगाते हैं इसकी जगह पर पेस्ट। पेस्ट लगाकर हम सिग्नल ऐसी लगाएंगे, ताकि पेस्ट लगाने से हमारे नीचे से जो पॉइंट हैं बहुत अच्छे से लग जाएं। तो ये हमने सिग्नल ऐसी पर पेस्ट लगाई और हम रखते हैं इसमें सिग्नल ऐसी। सिग्नल ऐसी का जी ये होता है निशान उल्टा सीधा। आप निशान को निशान वाली साइड पर लगाएंगे तो आपका ऐसी सिग्नल भी देगा और आपका रिसीवर भी ऑन होगा। तो इस पे भी ये तिनके का निशान होता है, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, ठीक है? अगर वो ना नज़र आए तो नीचे इसके टुक का निशान होता है, कट का, वो देखें वो सामने नीचे कट का निशान है। तो वो हमारा ऊपर निशान को जाहिर करता है तिनके वाले को। तो अब हम करते हैं हीट गन की मदद से इसको होल्ड, और इसको रखने के लिए भी नीचे कंपनी ने निशान लगाए हुए हैं, ताकि आप इस जगह पर IC को रखें और ऊपर से शोल्ड करके दबा दें, तो आपका IC बिल्कुल बराबर बराबर मैनेज कर जाता है।
तो इसको हीट करके आप ऊपर से दबा देंगे। इसको ऐसे हीट करना है कि नीचे इसके जो सिग्नल ऐसे के ग्राउंड है वो भी अटैच हो। अगर वो अटैच नहीं होगा तो आपका रिसीवर रेड लाइट पर चला जाएगा या सिग्नल नहीं देगा। तो मैं दिखाता हूँ ये पॉइंट कैसे लगे हैं, ये देखें। ठीक है, हमारा आईसी कैसे लगा है, बहुत प्यारा। साइडों से पॉइंट आपस में नहीं जुड़े, लेकिन अब हम इसको चला कर देखते हैं कि ये ऑन हुआ है या नहीं हुआ। तो ये दोस्तों अभी ऑन नहीं हुआ, रेड लाइट पर है, हमारा आईसी ठीक नहीं लगा। तो हम आईसी को दोबारा हीट करते हैं, हीट करके इसको ठंडा करेंगे। रिसीवर को हम ऑफ कर लेते हैं। तो इसको अब हम अच्छे से हीट देते हैं, दबाते हैं ऊपर से अच्छे से। तो फिर इसको देखेंगे ठंडा करके, इंशाल्लाह ये ऑन हो जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा ज्यादा दबाएंगे। तो ये देखें दोस्तों, हमने इसको अच्छे से दबाया है। तो अब हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, ठंडा करके चलाएंगे, इंशाल्लाह ये जो हमारा रिसीवर है ऑन हो जाएगा। इसमें हम फ्रीक्वेंसी लगाकर आप दोस्तों को सिग्नल भी चेक कराएंगे। ये देखें कितना प्यारा एसी लगाया हमारा। तो कैमरे को जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका आईसी कैसे लगा है। ठीक है, तो इसको हम ठंडा करते हैं दोस्तों, फौरन नहीं चलाएंगे हम। ठीक है, ठंडा करके चलाएंगे तो हमारा रिसीवर ऑन हो जाएगा। अगर हम गर्म आईसी को चलाएंगे तो हमारा रिसीवर ऑन नहीं होगा, आईसी भी फट सकता है। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों, ये अब हमारा तकरीबन आईसी ठंडा हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको ऑन करके, तो हमारा रिसीवर भी ऑन हो चुका है। ठीक है, ये देखें दोस्तों, तो ये देखें स्टार ट्रैक का इसका लोगो भी एलईडी पर आ चुका है हमारा। तो अब हम इसको करते हैं दोस्तों ट्यून, सिग्नल पट्टी दिखाते हैं। सबसे पहले मेन्यू दबाते हैं आपको कि हमने ऐसी लगाया है इसकी सिग्नल पट्टी को, या बनी है या नहीं बनी। के यू बैंड की एलएम भी लगाएंगे, इसकी हम फ्रीक्वेंसी लगाएंगे 11469 वर्टिकल 29500 वाली। ठीक है, ये बहुत ही आसान फ्रीक्वेंसी है, इस पर आप सिग्नल बनाएंगे तो आपका जो है ना मुकम्मल चैनल आ जाएंगे रिसीवर के। तो ये देखें हमें स्ट्रेंथ मिल चुकी है एलएमबी की। अब हम इधर फ्रीक्वेंसी लगाते हैं 11469, और नीचे हम वर्टिकल करेंगे और इधर 29500 लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सेव करेंगे, तो अब देखना हमारे सिग्नल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों, ये हमारे सिग्नल बन गए। अब हम इसको स्कैन करेंगे तो हमारे चैनल भी आ जाएंगे दोस्तों। इसको हम स्कैन करते हैं दोस्तों, तो ये देखें हमारे चैनल अभी पलक झपकते आ जाएंगे, ये देखें। ठीक है, ओके करेंगे। तो ये देखिए, आप चलाकर भी हम आपको दिखाते हैं, सिग्नल भी दिखाते हैं, हमारा आईसी भी ओके हो गया है, रिसीवर भी ओके हो गया है।